सुबह जल्दी जाना है, इसलिए ज़्यादा कुछ काम नहीं निपटाया मैंने। अब तो लौट के करूँगी आके, क्योंकि पंडित जी ने भी अपना टाइम दिया है और अभी वहाँ भी तैयारी करनी है। ये अभी हम नहीं खाएंगे, तो वही जो है हम पूजा के बाद ही खाएंगे ना इसको, तो वही जो है अब हम लोग, मेरा बेटा नहा रहा है, नहा ले और बस उसके बाद मैं निकलती हूँ। तो आज अभी तक मैं पूजा की डालती थी जो सब क्या होती थी, और आज हमारा खुद का है। और ये साल में सुननी थी ना, इस साल एक कथा, वही कथा सुनी जा रही है। और कथा है पर साल के अंदर सुननी थी, वो आप लोग समझ गए होंगे, जो मेरा ब्लॉग रेगुलर देखते हैं वो ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये कथा क्यों की जा रही है। तो कथा जो है हमारी, वो इनको सुननी थी तो ज़रूरी था इनको अभी साल के अंदर कथा सुनना, तो इसलिए ये सत्यनारायण कथा करी जा रही है। और सब लोग जानते होंगे कि कुछ गम के बाद फिर ये एक कथा साल में होती है। जो मेरा पुराना ब्लॉग देखते होंगे वो जानते होंगे कि क्या बात हो गई थी। तो चलिए फिर वहीं मिलूंगी आपसे मैं घर पे। फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं एंड मम्मी देखिए क्या कर रही है, मम्मी काट रही है मेवा वगैरह, काट रही है एंड मेरी मम्मी देखते हैं। हेलो मैम, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? पानी पी रहा है। क्यों? प्यास लग रही। पियो। तो पानी पी रही है, इसे काट रही है पूजा के लिए मेवा, देख सकते हैं आपको दिखाते हैं हम आगे आगे क्या होता है पूजा पूरी। साधु केसर नेत्रम जी के गौरी नारायणी नमस्ते सर्वाबा धाग्रत मुक्तो धन धनादि तु तारता मनुष्यो मत प्रसादेर भविष्य संथया। हाँ, पांच बार सिंदूर चढ़ाओ, एक बीजी कलश में लगा देना। ओम श्री खंडरम चंद्रम दिव्यम गंधादि मुक्त मनोहरम विलेपनम सुरम चंदनम प्रतिष्ठितम आतिथ्यादि सरुद्रा विचेति वाचिन कांति प्रविच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धे सिंदूरम तिलकम ददाति। जय गौरी जी महारानी, सिंदूर धारण करिए, कल्याण कीजिए, मनोकामना पूरी कीजिए, अक्षत डाल दीजिए, अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। बराबर इसमें दोनों लोग हाथ लगा करके उसको पहना। हाँ, मल्लिकादा सुगंधिन माल इत्यादि न प्रहो मया हितानि पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयाम। गौरी जी को लाल फूल दे दो। मल्लिकादा सुगंधिन माल इत्यादि न प्रहो मया हितानि पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयाम। एन बंध्वाजा धारिंद्रो महाबला तेन चौरक्षा माचन माचरेत इदं वस्त्रं मया दीयं तुभ्यं मे समर्पयामि। तुम गौरी जी को वस्त्र दो, धूप बत्ती जला लो, एक जलाओ, एक जो बच्चा लगाओ धूप में जला करके दोनों लोग पांच बार घुमा दो। हां तो कुछ करेंगे तो दे दो, ये नहीं दे दो, कितने कितने दे दो। दे दो, गुता करके और पांच बार घुमाओ कलश पे दोनों लोग हाथ लगा करके। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरे यहाँ कथा शुरू हो गई और जो मुझे और मेरे हस्बैंड को ही सुननी थी, तो उसी की पूजा मतलब सत्यनारायण की पूजा थी और ये पूजा बहुत ज़रूरी थी मेरे घर में, तो इसलिए मतलब एकदम से प्लान बना और एकदम से ये पूजा रख दी गई। पंडित जी से बात की है, उनके वो फ्री थे तो उन्होंने कहा इस दिन कर लो, तो संडे को हम लोगों ने ये पूजा करी। तो क्योंकि ये पूजा ज़रूरी थी मेरे हस्बैंड के लिए, उनको सुनना था ये कथा,
तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं अच्छा आप लोग को क्लियरली बता दूंगी कि मेरे जब जेठ एक्सपायर हुए थे तो ये उस पर बैठे थे, तो इन्होंने ही किया करा था सब काम, तो इनको सुनना था। तो एक कथा बीच में हुई थी तो वो मेरी दीदी सुन ली थी, हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं इनको सुननी चाहिए थी, तो ये हुआ कि साल के अंदर हम सुन लेंगे। तो वही एकदम से प्लान बना कि साल होने वाला था 26 को, तो तुरंत ही हम लोगों ने ये कथा सुन ली। तो वही मेरे घर में इसलिए ये पूजा रखी गई थी। तो आप लोग सुनिए और इन्जॉय करिए, आप लोग इस पूजा को देखिए और व्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा है, और भगवान सबकी पूरा करें। तो देखिए, फिर मिलती हूँ आगे आपसे। और ये पंडित जी कथा इतनी अच्छी कहें बहुत ऊँचाई में रहे होंगे, और कथा भी बहुत अच्छी करते हैं, मतलब पूजा पाठ अच्छी तरह से कराते हैं, एक एक चीज़ कराते हैं। तो हम लोग इन्हीं पंडित जी को बुलाते हैं हर बार। और अभी मेरे बाल गोपाल जी को नहलाया गया, अब उनको ये देखिए मैं कपड़े पहना रही हूँ, इनके नए कपड़े लाई थी आज मैं, तो वो मैं पहना रही थी लड्डू गोपाल को। तो टोपी ढूंढ रही थी कि टोपी कहाँ चली गई, तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल स्नान करके और बैठ गए हैं। तो चलिए आप लोग पूरा पूजा का फल लीजिए, आप भी, आप लोग भी बैठिए, कथा सुनिए, मिलती हूँ आगे। उसमें तो थोड़ा थोड़ा फूल ले लो और दोनों लोग भगवान का ध्यान करो। बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो अम्बे भैया की जय, बोलो दुर्गा भैया की जय, बोलो काली भैया की जय, बोलो लक्ष्मी भैया की जय, बोलो सरस्वती भैया की जय, बोलो लता भैया की जय। भगवान के सामने अर्पण कर दे, ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके अब दक्षिणा देके अपने भाई बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करे, ब्राह्मण को भोजन करावे, प्रसाद खाने के बाद नाच गाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करे। इसके बाद जब सब लोग अपने घर जाने लगे तो श्री सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते हुए जाए, इनकार हे नारद यह जो मनुष्य करेगा वो वांछित फल पाएगा, विशेष करके कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई नहीं।
अग्नि ऊर्ध्व मुखो भव। अरे यही गरम कर लो, गरम कर लो, इधर पे अभी जले। आज क्या जलो लग के देवा ते कांति प्रविच्छामि धर्म का मा। पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोहमलापहं तु विमलं प्रेमाम्बुकोणं सुहं। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की, बोलो माता रानी की, बोलो सर्व देवताओं की, बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ सबको दे दो जरा, थोड़ा घी तीन बार डाल, पत्ते से जैसे डाल रहे थे उसी प्रकार। ओम उमा भगवान शंकर ओम उमा, भूलना नहीं कटोरी में जल वाली में। ओम उमा भगवान शंकर ओम उमा भगवान शंकर बोलो सत्यनारायण स्वामी। हाँ अब जरा तुम्हारा घी जो बचा है पत्ता हटा दी, नारियल पर धार गिरा दो, नारियल पर धार गिरा दो, हाथ बढ़ा ऊपर, बस 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 में नौबाती डाल दो, ग्रहण वाली थाली हम कर दो, लावारती बना दो थाली, बिट्टू से रखा कर दो, हाँ नौबाती की भी डाल दो, नौग्रहण छोटी छोटी नौबाती वो नौग्रहण की है फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय 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 तो इस तरह से अब मेरी जेठानी सब लोग मतलब आरती किए थे बारी बारी से, और वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। तो सारी पूजा हो गई है और मेरा बेटा हमेशा अब जो है अपनी मम्मी के साथ ही पूजा करता है लगाता है, तो वही सब आरती वारती हो गई, अब हमारी पूजा संपन्न होने वाली है। Yeah.
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुणाधिकारी भानु सती भोग दिशोभिधत्या दुरस्त तुकरा चलिरा केतवा सर्वग्रहादान। आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा मेरा पूजा का, और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस उससे मैं अपना व्लॉग एंड का एंड करती हूँ। बाय बाय।